तो यहाँ पे मैं बड़े अदब और इत्तेलाम के साथ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बड़े अदब और इत्तेलाम के साथ निवेदन कर रहा हूँ, शमशाद पठान और चाचा नायब भाई फतेहपुर, अमीर अहमद साहब और डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब, मैं चाहता हूँ कि चलिए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कीजिए। अब्दुल वाहिद मरहूम की याद में सजाया गया है टूर्नामेंट हाफिज सज्जाद मेमोरियल कबड्डी प्रतियोगिता, यकीनन स्टेट लेवल की कबड्डी प्रतियोगिता। आज अपने मेहमानों का, अपने शहदाइयों का, अपने प्रेमियों का इस्तकबाल कर रही है, अपने मजमा के खामोश है भैया, जरा सा ताली बनाए, दिल दिलों की सरजमी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कब्रिस्तान में बोल रहा हूँ या शमशान में बोल रहा हूँ, ऐसा लगना चाहिए कि मैं तरवैनी में बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है कि किस तरह से ताली बजाई जाएगी, बहुत बुजुर्ग बैठे इसलिए थोड़ा सा। मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न पाए कभी मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान की भी हो। तो आज यही कह रही है यहाँ की मुंतजमीन कमेटी कि मंदिरों जान हम लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्त टूर्नामेंट की तरफ चलिए, मैच की तरफ चलिए। शमशाद पठान और चाचा यकीनन अपना कीमती समय जो इस टूर्नामेंट के लिए दे रहे थे, इनके नाम से एक बड़ा इनाम हो चुका है कि जीतने वाली टीम को 1000 रुपए का बड़ा इनाम दिया जाएगा और 500 रुपए का इनाम अगर फलक ट्रेवल्स अपने नाम या मुकाबला करती है तो उस टीम को दिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों को जवाब दिया हुआ तमाम कबड्डी प्रेमियों का मैं इस्तकबाल कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ मैं तरवैनी की सरजमीन पे। तो चलिए मेरे दोस्त डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर शाहबुद्दीन साहब, शमशाद पठान और शहनशाह हर टूर्नामेंट की जान, हर टूर्नामेंट की धड़कन हुआ करते हैं, उनके साथ साथ अमीर समय आपने दिया, इस टूर्नामेंट के लिए बड़ा योगदान दिया है। आता हूँ कि आगे का आंखों देखा हाल हाँ, इस खेल के बाद वाराणसी वर्सेस सोन बुजुर्ग भी ये दोनों टीमें अपनी तैयारी कंप्लीट बनाकर गैलरी में आ जाएं, ये दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार रहें, वाराणसी वर्सेस सोन बुजुर्ग भी। तो चलिए मेरे दोस्त आगे का आंखों से का हाल सुनाने के लिए मैं आमिर सुहेल के हाथों माइक कर रहा हूँ, आमिर सुहेल आप आगे का आंखों से का हाल सुनाएं। हेलो शेख, हेलो माइक्रोफोन, हेलो माइक सिस्टम, हेलो हेलो शेख, हेलो माइक्रोफोन, हेलो माइक सिस्टम, हेलो हेलो शेख, हेलो। सबसे पहले तरवैनी के इस सुनहरे स्टेडियम में मैं सबको इस्लामी तौर तरीके से सलाम अर्ज करना चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इलाही पयामे दुआ कर रहा हूँ, तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहा हूँ, मेरी इंतहाए रोजानी सही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। आइए दोस्तों अब मैं लेके चलता हूँ के इसी की तरह इस साल भी एक बहुत ही खूबसूरत यूँ कह लिया जाए कि ऑल इंडिया पैमाने पर इस टूर्नामेंट को गामजन करती हुई मुंतजमीन कमेटी एक बहुत ही शानदार टूर्नामेंट इस वक्त स्कोर पॉइंट्स 0-4 के निजी स्कोर पर फासला से बनता हुआ बेचैनियां बढ़ती हुई, वाह भाई वाह, ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से पॉइंट्स लेकर अपने सफर का आगाज करेंगे, लेकिन जहां से निकलना चाहते थे बनी प्रोवाइडर का गलत अपोच दिया गया। तो यहां पे मैं तमाम दर्शकों से माफ़ी चाहता हूं मेरे दोस्त, क्योंकि टूर्नामेंट अभी स्टार्ट हो रहा है, यानी अभी शुरुआती मरहला चल रहा है,
बहुत सारे मेहमान, बहुत सारे ऐसी शख्सियतें जो कि इस टूर्नामेंट से जुड़ रही हैं, इस टूर्नामेंट को कामयाब कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि उन शख्सियतों के जरा नाम बताते जाओ। अभी टूर्नामेंट की कमेंट्री कब की जाएगी? रेफरी महोदय, मिलान महोदय से मैं अपील कर रहा हूँ कि आप लोग टूर्नामेंट को आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, मैं नाम लेना चाहता हूँ कि जिन नौजवानों का या जिन शख्सियतों का बड़ा योगदान रहा इस सरजमीन पे, अब्दुल वाहिद मरहूम की याद को सजाने के लिए हाफिज सज्जाद मेमोरियल आल यूपी कबड्डी प्रतियोगिता को कराने के लिए, उनके नाम शेरू भाई, मिस्टर फैसल इमरान प्रधान पद के प्रत्याशी, रिजवान अहमद प्रधान पद के प्रत्याशी, सलीम अहमद उर्फ राजू कोटेदार, हसीन अहमद शीजा पेट्रोल पंप, अबुलैस अहमद, मोहम्मद अजमल महाप्रधान पद के प्रत्याशी, मोहम्मद लारायत, ग्यासुद्दीन अहमद साहब प्रधान आपका वैनी, शकील अहमद साहब, अदनान जावेद साहब, अफजल भाई सऊदी, अबुसाद भाई सऊदी, मुमताज भाई सऊदी, यानी सऊदी अरबिया से इस टूर्नामेंट के लिए योगदान आ रहा है। इस टूर्नामेंट के लिए नुसरत आ रही है, इस टूर्नामेंट के लिए मदद आ रही है। तो मैं हमजा कैप्टन की तरफ से, फलक टूर एंड ट्रेवल्स की तरफ से, रोड मास्टर साइकिल की तरफ से, फलक किचन सेट की तरफ से, तारिक फतेहपुर की तरफ से, आदिल भाई फलक ट्रेवल्स की तरफ से, मैं तमाम नौजवानों का और यहाँ पे तमाम दिलजनों का, तमाम कबड्डी प्रेमियों का मैं इस्तकबाल कर रहा हूँ और इन शख्सियतों को मैं सलाम कर रहा हूँ। यकीनन दुनिया कबड्डी का ये बेहतरीन टूर्नामेंट आज इस सरजमीन पे खेला जा रहा है। अब्दुल वाहिद मरहूम एक ऐसा नाम है मेरे दोस्त, जो कि अपना 15-16 साल यानी अपनी पूरी जवानी आजाद कर करमैनी के नाम कर दी, और करमैनी का